तो भाई देखिए दोस्तों, आप जब भी कपड़ा धुलने जाइए तो ये जैसे मेरा वॉशिंग मशीन जो है 6.5 किलोग्राम के कैपेसिटी वाला है, तो इसका मतलब पानी और कपड़े सारे सभी चीज़ों का वेट मिला के लगभग 6.5 किलोग्राम तक ये स्पिनर मोटर जो है वो लोड बियर कर सकता है। तो आप इसमें हाफ बकेट पानी रखिएगा और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग बकेट पूरा भर चुका है, मतलब हाफ बकेट भर चुका है मेरा। अब इसका जो अगला स्टेप होगा वो है इसमें वॉशिंग पाउडर डालना। अब जैसे कि आपको जितना कपड़ा डालना होगा उसके हिसाब से आप वॉशिंग पाउडर इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं जो बताता हूँ कि वॉशिंग मशीन में वैसे वॉशिंग पाउडर आप थोड़ा सा अदर यूजेज, जैसे आप घर में कपड़े हाथ से धुलते हो तो उसकी अपेक्षा थोड़ा कम वॉशिंग पाउडर लगता है। पानी थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है लेकिन वॉशिंग पाउडर उसकी अपेक्षा थोड़ा कम लगता है। तो अब हम इसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे। तो अगर वॉशिंग पाउडर की क्वांटिटी की बात करें तो मैं यहाँ पे 3 कंबल जो है 3 ब्लैंकेट्स एक साथ धुल रहा हूँ, इसलिए वॉशिंग पाउडर की क्वांटिटी की बात करें तो मैं लगभग 50 ग्राम यानी 50 ग्राम वॉशिंग पाउडर तक इसमें डालूँगा। ये हो गया करीब 25 ग्राम था और 25 ग्राम और मतलब मैं हाँ ठीक है। अब दोस्तों, अब जब आप इसमें वॉशिंग पाउडर डाल दीजिए तो तुरंत आप इसमें कपड़े ना डालिए बल्कि वॉशिंग मशीन को अपने ऑन करके और इसका जो अपने वॉशिंग मशीन को आपने ऑन कर दिया, अब इसका जो ये स्पिनर वाला बटन है ना, वॉश टाइमर वाला, उसको आप चालू कर दीजिए। ठीक है, जब घुमा दीजिएगा तो ये देखिए कि वॉशिंग मशीन जो है पूरी तरह से कपड़ों को पानी को घोलने लगा है और सर्फ को उसमें अच्छे तरीके से मिक्स करने लगा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब आप करके अब जब एक दो बार ये घूम जाए तो आप एक एक कपड़े को प्रॉपरली खोलते हुए कपड़े को, ठीक है, खोल के डालिएगा कपड़े को और एक एक कपड़े को आप डालते जाइए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए मैं कंबल यहाँ डाल रहा हूँ और इस तरह से आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये अपने आप ही अंदर ले लेगा आप। हाँ, इसी तरह से मैं फिर यहाँ पे दूसरे कंबल को भी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरे कंबल को भी डाल चुका हूँ और अब मैं इसमें तीसरे कंबल को भी डाल देता हूँ। ये तीनों कंबल का वेट मिला के लगभग 6.5 किलो हो जाएगा पानी के साथ और ये मेरे जो स्पिन मोटर है वो बहुत ही ईजिली इसे आराम से साफ कर देगा। अब दोस्तों आपको एक सिलेक्शन और करना होगा, जो यहाँ पे आपका प्रोग्राम सेलेक्टर है इसमें जाके आपका अगर कंबल ज़्यादा गंदा है या कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो आप इसको स्ट्रांग मोड पे सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आपकी स्पिन की टाइमिंग जो होती है वो बढ़ जाती है, रोटेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉर्मल था, अभी देखिए हाई रोटेशन पे जाएगा। ये देखिए 1 2 3 लगभग 3 से 4 बार रोटेट करता है एक साइड से होते हुए। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे कपड़े को जो है काफ़ी ईजिली जो है ये लेने लगा है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए जब ये कपड़ा धुल जा रहा है तो फिर मैं आपको अगले प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब देखते हैं, ये मेरा जो 15 मिनट का टाइम सेशन था वो पूरा हो चुका है। तो अब ओपन करके देखेंगे इसके लिड को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, करीब 1 मिनट से भी कम टाइम, और ये कपड़े पूरी तरह से वॉश हो चुके हैं और आप पानी की अगर क्वालिटी को देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही गंदा हो चुका है ये। मैंने कैमरा लिया है वरना हाथ में लेके आपको दिखाता कि कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। रुकिए दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं दोस्तों कितनी गंदगी निकली है। वैसे ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे रहते लेकिन फिर भी इतने से काफ़ी अच्छे से क्लीन कर चुका है ये वॉशिंग मशीन मेरा। और अब हम इस रोटेशन को बंद करेंगे, रोटेशन को बंद कर देंगे पूरी तरह से। और उसके बाद से अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा ये जो ड्रेन ड्रम है इसे ओपन करते हैं और ड्रेन ड्रम में हम अपने इस वाले जो ये वाला जो धुला हुआ हमारा कपड़ा है इस कपड़े को एक एक करके इसमें डालेंगे। एक एक पीस ही डालेंगे क्योंकि ये कंबल है, काफ़ी बड़ा होता है, तो हम एक एक पीस डालेंगे। अगर आपने शर्ट पैंट या फिर कुछ और चीज़ें धुल रहे हैं अपने घर का तो उसमें आप 2-3-4 आइटम भी इसमें डाल सकते हैं। मतलब ये ड्रेन ड्रम थोड़ा भरे से थोड़ा सा कम होना चाहिए, उतना आप कपड़ा इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए एक कोई कंबल हम डालते हैं इसमें, रुको पानी, एक मिनट बंद करो, कर कितना, हाँ
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कपड़ा जो है पूरी तरह से धुल चुका है और ये फंक्शन जो है बंद हो चुका है। हमारा स्पिन टाइमर 15 मिनट का टाइमर था, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कपड़े में थोड़ी लगती है कि कम सफाई हुई है तो आप इसको एक बार और चला सकते हैं 4, 5 या 10 मिनट के लिए, या फिर पूरे 15 मिनट के लिए एक रोटेशन और दे सकते हो आप। तो अब चलते हैं हम इसको। अब अगला स्टेप हमारा होगा, इस पानी को ड्रेन करेंगे हम यहाँ से। तो ये ऑफ प्रोग्राम का सेलेक्टर पे आके हम ड्रेन की तरफ जाएंगे। ड्रेन की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पानी ड्रेन हो रहा है मेरा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरी तरह से पानी जो है ड्रेन होना शुरू हो चुका है। बहुत ही कम टाइम में ये पानी ड्रेन हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 सेकेंड लगेगा और आपका पूरा जो बकेट है वो खाली हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। इधर ड्रेन हो चुका है तो अब हम अपना ये जो ड्रेन ड्रम है इसे ओपन करते हैं और इसमें हम एक कंबल जो है वो इसमें हम डालेंगे। तो हम ये ब्राउन वाला कंबल पहले डालते हैं, वो थोड़ा भारी है, एक्चुअली वो डबल बेड का कंबल है, इसे हम डालते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप खोलते हुए इसे डालिएगा फैलाते हुए, और क्योंकि अगर फैलाते हुए नहीं डालेंगे तो ये अच्छे से जो है कि ये कपड़ा जो है धुलेगा नहीं, जो इसके सरफ़ है वो इसमें लगे रह जाएंगे। तो इस तरह से हाँ ये देखिए, और लगभग हमारा ड्रेन बकेट जो है कि भर चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना ये वाला जो इसका अलग से दिया हुआ अटैचमेंट, इसको लगाएंगे और अंदर की तरफ दबा देंगे। जी हाँ दोस्तों, दबाने के बाद हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है, दबा देंगे और उसके बाद से हम इसे भी बंद कर देंगे। और फिर जो हम अपने वाटर इनलेट है ना, यहाँ से हम वाटर की सप्लाई इसमें देंगे, वाटर की सप्लाई हम इसमें देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें लगा दिया और अब हम वाटर सप्लाई चालू करते हैं और उसके बाद से फिर आपको दिखाते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा वाटर सप्लाई आना शुरू हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए हमारा वाटर सप्लाई आना शुरू हो चुका है और ये मेरे कपड़े को खंगालना शुरू कर देगा। तो इसे बंद करते हैं, इसे बंद कर देंगे और ये जो हमारा ड्रेन वाला नॉब है, स्पिन टाइमर वाला, इसे हम चालू कर देते हैं। ये करीब 5 मिनट के लिए हाईली मतलब फुल फंक्शन पे ये 5 मिनट के लिए काम करता है। करीब आपको 2 मिनट तक आपको पानी के साथ इसे खंगालना है और 2 मिनट के बाद जो है आपका वाटर सप्लाई जो है बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद फिर इसे स्पिन कर दीजिएगा जिससे इसका पूरा पानी जो है ड्रेन आउट हो जाएगा। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था करीब 2 मिनट तक आप इसे जो है कि खंगालेंगे कपड़े को। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई मैंने अब बंद कर दिया है और अब हमारा देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है, आपको पता है कि जब आप इसका लिड को ओपन करेंगे, इसके ढक्कन को खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वाटर सप्लाई यहाँ से आ रहा था वो बंद हो चुका है और अब हम केवल क्या करेंगे, इसे स्पिन करेंगे। स्पिन करने से क्या होगा कि इसमें जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और ड्रेन आउट होकर नाले में चला जाएगा और हमारा कपड़ा जो है वो परफेक्टली सूख के निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी सारे प्रोसीजर को भी एक के बाद एक करते रहेंगे और इस तरह से हम अपने सारे कपड़े धुल लेंगे।